So guys, now I'll show you the demonstration of the WhatsApp chat analyzer that I have made. So I'll share my screen. So this is the chat analyzer. ये अभी Heroku पे deployed है. इसका मतलब आप भी इसको use कर सकते हो. बस वहाँ पर एक restriction है कि आप जो chat files upload करोगे, जो text files आप upload करोगे, वो 24 hours डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है वो 24 आवर्स डेट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है. कुछ दिनों में आई विल चेंज दैट कोड टू AM/PM वाला कोड आल्सो. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो आपको एक ग्रुप का एनालिसिस करके दिखाता हूँ. जैसे कि ये हमारा कैंपस एक्स का वेब डेवलपमेंट बैच का ग्रुप चैट है, और जैसे आप इसको अपलोड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ऐप आपको एक ड्रॉप डाउन में सारे मेंबर्स का नाम दिखाएगा. उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का नाम दिखाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो. आप ओवरऑल ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हो, और आप किसी इंडिविजुअल मेंबर के बारे में भी स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं पहले आपको ओवरऑल एज इन पूरे ग्रुप का एनालिसिस करके दिखाता हूँ. सो आपको बस कुछ नहीं करना है, शो एनालिसिस बटन पे क्लिक करना है. सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये एनालिसिस स्टार्ट हो गया. आई जस्ट मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं, और थोड़ा सा आई टेक लेस स्पेस, और यहां से आई सेलेक्ट सेटिंग वाइड. राइट, सो यहां से हमने फाइल अपलोड किया था और शो एनालिसिस पे क्लिक किया था, और अब ये देखो गाइस, टॉप स्टैटिस्टिक्स आएगा सबसे पहले कि टोटल कितने मैसेजेस भेजे गए हैं उस ग्रुप में, कितने वर्ड्स भेजे गए हैं टोटल सारे मैसेजेस मिला करके, कितनी मीडिया फाइल्स शेयर्ड हुई हैं. सो आप जिप्स वगैरह शेयर करते हो, मीम शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, तो उसका काउंट बता रहा है ये. कितने लिंक्स शेयर किए आपने, जो भी लिंक्स आप शेयर करते हो ग्रुप्स में, राइट. उसके बाद ये है मंथली टाइमलाइन. ठीक है, कि मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपका ग्रुप में एक्टिविटी कैसा है पूरे ग्रुप मेंबर्स का मिला करके. तो यू कैन सी इनिशियली बहुत ज्यादा था, फिर ग्रेजुअली इट डाइड आउट, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा ही होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ने में. उसके बाद मैंने डेली टाइमलाइन बनाया है कि डेली कितने मैसेजेस हुए पूरे के पूरे पीरियड में. यू कैन सी शुरू में बहुत ज्यादा हाई आपको पीक्स दिखाई देंगे, और ग्रेजुअली इट फेडेड आउट जैसे जैसे ग्रुप बंद होने लगा. ठीक है, उसके बाद मैंने एक्टिविटी मैप्स बनाए हैं कि सबसे ज्यादा बातचीत कौन से दिन होती है. जैसे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बातचीत मंडे को होती है, उसके बाद संडे को, और सबसे कम बातचीत फ्राइडे को होती है. ठीक है, फिर मैंने ये भी निकाला कि सबसे बिजी मंथ कौन सा था इस ग्रुप के लिए, एंड जून के महीने में यहाँ पे सबसे ज्यादा बातचीत हुई है. ठीक है, और सबसे कम बातचीत हुई है मई में. ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला वीकली एक्टिविटी मैप. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे के पूरे दिन को 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक, एंड सो ऑन. और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे सारे के सारे डेज रख दिए. सो ये ग्रिड है, और इस ग्रिड को देख के आपको समझ में आएगा कि पूरे वीक में किस पॉइंट पे आपके ग्रुप के यूजर्स सबसे एक्टिव रहते हैं और लीस्ट एक्टिव रहते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, 3 से 4 बजे तक सुबह की बात हो रही है, सुबह के 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 7 से 8, और इवन 8 से 9, ये इस पीरियड में मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं. तो दैट इज वाई यहाँ पे जो शेड है ये डार्कर शेड है, डार्कर मतलब कम मैसेजेस. वेयर एज अगर आप 8 से लेके 9 बजे का बात करो, या 9 से 10 बजे का बात करो, उस टाइम पे यूजर्स सबसे ज्यादा एक्टिव है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है. उसके बाद हमने निकाला कि सबसे बिजी यूजर्स कौन थे, सबसे ज्यादा मैसेज करने वाले यूजर्स कौन थे. तो मैं ही हूँ वैसे इस ग्रुप में, इसलिए मेरा बार चार्ट सबसे हाई है, और उसके बगल में मैंने एक डेटा फ्रेम प्रिंट कराया है हर यूजर का चैट कंट्रीब्यूशन परसेंट. जैसे ओवरऑल इस ग्रुप में जितने भी चैट्स किए गए उसका 23% चैट मैंने अकेले ने किया. ठीक है, तो आई वाज द मोस्ट चैटियर वन. ठीक है, उसके बाद मैंने वर्ड क्लाउड्स जनरेट किए, सारे के सारे वर्ड्स को एनालाइज किया, और उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है. वीडियो, क्लास, प्रॉब्लम, जूम, कोलकाता, टॉपिक, मीटिंग, जो भी चैट सबसे ज्यादा हो रहा था वो मैंने सामने ले आया. उसके बाद सबसे कॉमन वर्ड्स जो मेरे ग्रुप वाले यूज करते हैं वो ये सब है, क्लास, सेशन, मीटिंग, बिकॉज ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ग्रुप है, दैट इज वाई. और या दिस इज द ओवरऑल
टॉप 20 मोस्ट यूज वर्ड्स, ठीक है, और लास्ट में मैंने इमोजीज का एनालिसिस किया कि सबसे ज्यादा कौन से इमोजीज यूज हुए हैं और इन उन इमोजीज का पाई चार्ट के थ्रू परसेंटेज निकाला, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्रुप लेवल एनालिसिस, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर यूजर को, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने इस यूजर को सेलेक्ट किया और फिर से शो एनालिसिस पे क्लिक किया। अब ये जो पूरा डेटा है ये उस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से आएगा। लेट मी शो यू, थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज काफी सारे कैलकुलेशंस बिहाइंड द सीन चलते हैं। सो या ये देखो गाइस, अब ये जो स्टैट्स वगैरह आ रहा है ये इस यूजर के हिसाब से आ रहा है। इस यूजर ने सिर्फ 191 मैसेजेस किए, 839 वर्ड्स, इसने 21 मीडिया फाइल शेयर की, 8 लिंक शेयर किया। ये इसका मंथली टाइमलाइन है, ये इसका डेली टाइमलाइन है। ये सबसे ज्यादा बिजी संडे को था, लीस्ट बिजी ट्यूजडे को था, सबसे बिजी जुलाई में था। ये इसका वीकली एक्टिविटी मैप है और ये कभी कभी 3 से 4 बजे रात को भी बहुत एक्टिव रहता है। और ये रहा इसका वर्ड क्लाउड, ठीक है, और ये रहे इसके सबसे कॉमन वर्ड्स और ये रहे इसके इमोजीज, ठीक है। अब आप कोई भी यूजर को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से और आपको उसका एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह का एनालिसिस हो रहा है, सिंगल लेवल भी एक यूजर के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से भी। सो ये जो यूजर है इसके इतने मैसेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतनी मीडिया फाइल्स हैं, इतने लिंक्स इसने शेयर किए, ये इसके ग्राफ्स हैं, ये सारे ग्राफ्स हैं इसके, ये इसका सबसे एक्टिविटी मैप है, ये इसका वर्ड क्लाउड है और ये इसके कॉमन वर्ड्स, और बिल्कुल सेम टू सेम। अब अच्छी बात क्या है इस एप्लीकेशन की कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रुप चैट्स एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। आपने अगर अपने फ्रेंड के साथ काफी दिनों से बातचीत की और आप उसको एनालाइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यू हैव टू गो टू ब्राउज फाइल्स, और मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ जो मेरा चैट था मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। ये वन ऑन वन चैट है सो इसलिए आपको यहाँ पे दो ही यूजर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ओवरऑल पहले आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द ओवरऑल चैट, टोटल 2800 मैसेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, 84 मीडिया फाइल शेयर हुई हैं, 55 लिंक्स शेयर हुए हैं। ये हमारा मंथली टाइमलाइन है, हम इस पीरियड में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे इफ आई गेस, उस पॉइंट पे इस बच्चे का प्लेसमेंट वगैरह चल रहा था। डेली टाइमलाइन कुछ ऐसा है, एक्टिविटी मैप, संडे को हम लोग सबसे ज़्यादा चैट करते हैं, मार्च के महीने में हमने सबसे ज़्यादा चैट किया था, और ये रहा वीकली मैप, रात के टाइम ज्यादा बातचीत होती है, ज्यादा बातचीत उस स्टूडेंट ने की है, मैंने कम मैसेजेस किए हैं, 60% मैसेजेस उसने किए हैं, 39% मैंने किया है, बाकी के ग्रुप नोटिफिकेशंस हैं। और ये हमारे बीच की चैट है, ये हमारे कॉमन वर्ड्स हैं और ये हमारा इमोजीज है, दीज आर आर इमोजीज, ठीक है। अब इसमें भी मैं किसी एक बंदे को पकड़ के एनालिसिस कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया और ये मैंने मैसेजेस भेजे, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा चैट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बिल्ड करेंगे और उसको हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे। आई होप यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम।